आज का कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है। यहाँ पे सन है लेकिन वहाँ पे दूर आप देख सकते हो कि बारिश है। सुबह से ऑन एंड ऑफ बारिश हुए जा रही है, सो इट्स नॉट दैट गुड वेदर। Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Arun और स्वागत है आपका आज के इस YouTube वीडियो में। तो थोड़ी सी अपडेट मैं दे देता हूँ बैक टू इंडियन लुक, क्योंकि आज मैंने हेयर कट कराया है और मेरी जिंदगी का, अब तक की जिंदगी का ये सबसे महंगा हेयर कट है। तकरीबन $25, मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर आप बात करें तो 1250 रुपये। हाँ, तो एक शेयर करने जैसी बात लगी तो शेयर कर ली आप लोगों के साथ। एक्चुअली यहाँ माउंट रॉस्किल में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक फीजी इंडियन बार्बर शॉप है, वो इंडियन स्टाइल में आपको हेयर कटिंग करके देते हैं, सो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। तो आज मैं वहाँ गया था क्योंकि आज छुट्टी थी। चलिए थोड़ी सी अपडेट मैं दे देता हूँ। कुछ चेंजेस लाइफ में आए हैं। अभी तक मेरा वेकेशन चल रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके ग्रेड्स भी आ गए हैं, तो यस वो सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, दोनों कोर्सेज पास हो गए हैं। अभी मंडे से शुरू हो रही है नेक्स्ट सेमेस्टर कॉलेज का। तो हमारा लिविंग हॉल भी एकदम भरा भरा लग रहा है, विंटर आ गया है तो नीचे हमने कारपेट लगा दी है और ये रिसेंटली हमने नए रिक्लाइनर्स सोफ़ास परचेज़ किए हैं। तो सोचा ये भी ब्लॉग में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि यही भाई हमारी डेली रूटीन लाइफ है कि जब कभी भी टाइम मिलता है, कोई अच्छी प्रोडक्ट मिलती है तो हम उसको परचेज़ कर लेते हैं। हाँ, और बाय द वे ये भी मैंने फेसबुक से ढूंढ के परचेज़ किया है। सो या दिस इज़ द रिक्लाइनर। तो अभी थोड़ा सा हॉल ऐसा भरा भरा लग रहा है। एक्चुअली ये सेटअप हमने इसलिए किया है क्योंकि जब कभी भी छुट्टी हो तो ऐसा घर में थिएटर वाली फीलिंग आए, तो इसके लिए ऐसा सोफा लिया है। ऐसे बैठो, चिल करो और मूवी देखो। से निकलते ही ट्रैफिक आज थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, वीकेंड है तो। एक्चुअली हम जा रहे हैं, अभी 10 किलोमीटर बाकी है लेकिन 21 मिनट्स बता रहा है पूरा, मतलब आगे हार्बर ब्रिज आएगा तो वो भी अभी से रेड दिखा रहा है। तो इन टोटल 20 किलोमीटर के लिए पहली बार 35-40 मिनट्स लग जाएंगे। एक्चुअली आज के दिन का एक और एजेंडा है कि आज हम पहली बार आए हैं किसी डीलर के यहाँ, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं एक 8-सीटर वैन जो प्रॉपर, आपने इंडिया में शायद देखा होगा किया कार्निवल करके, जो प्रॉपर 8-सीटर होती है, तो ऐसी कुछ वैन हम देख रहे हैं। तो सर्च करते करते हमको ये डीलरशिप मिली 2 Jeep Car करके, ऑकलैंड में है, नॉर्थ शोर में, जहाँ पे गाड़ियों पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट, मतलब अच्छी डील आपको मिल जाएगी। तो हम आए हैं यहाँ पे अपनी वैन ढूंढने के लिए। अभी वैन का, हम वैन क्यों ढूंढ रहे हैं, उसका क्या यूज़ होगा, वो आपको आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन करेंटली मैं आपको दिखाता हूँ वैन हमने एक ऑलमोस्ट फाइनल जैसी की है। तो ये है वैन। एक्चुअली हम अभी 2 Jeep Car का जो मतलब वेयरहाउस बोल सकते हैं इसको, जो यार्ड है वहाँ पे सारी गाड़ियाँ इंपोर्टेड है, प्रियस आप देख सकते हो, पीछे एक्वास है काफ़ी सारी, तो यहाँ पे हम खड़े। ये है एक्चुअली निसान की सेरेना, ये जापान से इंपोर्टेड है, फर्स्ट नॉट रजिस्टर्ड इन न्यूजीलैंड। और देखो ये कौन सा ब्लैक कलर है और ये वाइट कलर है, हमें गाड़ी चाहिए वाइट कलर में। तो ये बहुत बड़ी, मतलब दिखने में आपको इतना फील नहीं होता लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही ह्यूज कार है। और ये इसका प्राइस है $10,664 प्लस ये ORC का रजिस्ट्रेशन का $500 देना पड़ता है। ये कुछ ऐसी ये वैन है, यहाँ पे आगे कैप्टन सीट है। एक्चुअली द गुड थिंग अबाउट दिस कार इज़ कि ये हाइब्रिड है, जो हम प्रियस यूज़ करते हैं, और दूसरा कि ये जो डोर्स है वो है ऑटोमेटिक डोर्स। इंडिया में ये गाड़ी, ये चीज़ मैंने किया कार्निवल में देखी थी, तो ये प्रॉपर 8-सीटर है। अभी हमने ये सीट्स यहाँ पे आगे कर दी है, इन सीट्स को भी यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, क्योंकि हमको देखना है कि इसका टोटल जो बूट स्पेस है वो कितना है, और सारी सीट को मतलब ऐसे फोल्ड करके एक 1.5-2 मीटर जैसा होगा, इतना ज़्यादा बूट स्पेस है यहाँ पे। तो या दिस इज़ द कार। और देखो या ऐसे इस बटन को टच करते हैं तो ये डोर अपने आप बंद हो जाता है, और ये यहाँ पे दिखा है हाइब्रिड। और मतलब चलाने में ये गाड़ी मिनी बस जैसी लगती है, और तो ये डिजिटल डिस्प्ले है और क्रूज कंट्रोल है, ऑटोमेटिक सीट्स है, पीछे सनवाइज़र है, यहाँ पे टीवी दिया हुआ है, यहाँ पे भी डिस्प्ले है और ऑटोमेटिक है। या गुड टू गो। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी है, अच्छी अच्छी डील प्राइस पॉइंट पे है, लेकिन हम तो जो देखने, हम मतलब हमारी एक पर्टिकुलर चॉइस है, वो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्यों
थ्रू हम 8-सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं, लेकिन फैमिली के लिए, घूमने के लिए ये भाई बहुत सही गाड़ी है और हाइब्रिड है, तो नहीं नहीं तो ये 20 की एवरेज तो देगी ही। और हाँ, तो आज इस दिन ऐसा यूटिलाइजेशन किया है, और जो मैं रास्ते में आपको ट्रैफिक के बारे में बात कर रहा था, एक्चुअली विंड आज इतनी ज़्यादा है कि जो 80 की स्पीड लिमिट थी नॉर्मल ब्रिज पे वो रिड्यूस होकर 50 हो गई थी। तो क्विक मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ किस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है यहाँ पे, और उसके बाद हम निकलते हैं घर के लिए, और जब कभी भी फाइनल होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा कि डैमियो है 10,000, ये होंडा फिट 10,000 के करीब, ये निसान की गाड़ियाँ है, यहाँ पे भी माजदा की है, ये आई थिंक माजदा एक्सेला है जो मतलब छोटी गाड़ी आती है 15,000। एक्चुअली हाइब्रिड गाड़ियों के भाव भी काफ़ी बढ़ गए हैं ये कोरोना के बाद। देखो ये डोर अपने आप ओपन हुआ है, यहाँ कीज है, अब इसको हम बंद करेंगे ना तो ये क्लोज भी हो जाएगा अपने आप। तो टेक्निकली मैं और मेरा भाई दोनों शॉक्ड है कि इस प्राइस पॉइंट में इस गाड़ी में इतने ज़्यादा फीचर है कि इसको एज अ फैमिली कार कंसिडर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी फीचर देखो, अलॉयज भी है, 16 इंच के प्रॉपर व्हील्स है, हाइब्रिड कार है, ए टू जेड सारे फीचर्स है जो डे टू डे लाइफ में चाहिए। देखो यहाँ पे साइक पड़ी है, या प्रियस है 3-4, गाड़ी तो काफ़ी है स्टॉक में। प्राइस भी भाई स्काई रॉकेट हुई है, ये जो ये हमारी प्रियस है, ये एक्वाइस का छोटा भाई है, देखो 12,000, 11,000, ये 13,000 तक एक्वा की प्राइस है। एक प्राइस पॉइंट पे इस प्राइस में हमने प्रियस बाय की थी, लेकिन अभी एक्वा की मतलब हाइब्रिड कार्स की भाई डिमांड है। यस, सो वी आर बैक होम एंड इट्स 3:43 इन द आफ्टरनून, और जो वैन हमने देखी उसका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सो मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग वीक हम वो वैन बाय कर लेंगे। और अब खाने की बारी है, तो देखो चलो, किसी को अगर ढोकड़ा खाना हो तो इसको हमारे काठियावाड़ी गुजराती डिश में बोलते हैं खाटिया ढोकड़ा बोलते हैं। तो एक्चुअली ये कल बनाया था, तो नहीं सॉरी मैं भूल गया, सुबह बनाया था भाई, ये फ्रेश है, मम्मी फ्रेश है, बस इसको सिर्फ गर्म करना है ओवन में। यस, तो यहाँ क्या है, यहाँ की भागा दौड़ी की वजह से कभी कभी ये होता है लाइक कि खाना जो है आपको सुबह बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन थैंक्स कि हमारे घर में मेरी वाइफ है, मेरे भाभी है, दोनों तो सुबह जल्दी उठ के खाना बनाते हैं, तो हमारे लिए ये ढोकड़ा आज बना के गए थे। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज अरुण।